सो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमने अपना एक यूआई क्रिएट कर लिया था. ओके, दो थे हमारे, एक कोर्स पेज का और एक होम पेज. ओके, तो ये हमारा कोर्स पेज की एप्लीकेशन है जो कि पोर्ट 3001 पे रन कर रही है, और ये हमारे होम पेज की एप्लीकेशन है. अब हमने क्या करना है, इसमें हमने अब वेब पैक को कॉन्फिग करना है. ओके, तो वेब पैक हम लोग कैसे कॉन्फिग करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को तीनों एप्लीकेशन में वेब पैक डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल क्रिएट करनी है. ओके, तो अब होम पेज पे हम लोग सबसे पहले क्लिक करते हैं. यहां पे आप लिखेंगे वेब पैक डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस. ये हमने यहाँ पे एक फाइल जो है वो क्रिएट कर ली है. ओके, यहाँ पे मेरे स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए हैं, यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देती हूँ. इसका होगा वेब पैक. ओके, ये हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है, वेब पैक डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस. अब जो इसका कोड होगा ना, वो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एप्लीकेशन में सेम होगा. ओके, और यहाँ पे मैंने गूगल फाइल भी बना ली है जो कि आपको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ओके, तो ये मैं यहीं से कोड कॉपी कर रही हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इसमें क्या कर रहे हैं. ओके, तो यहां मैंने इसको कॉपी किया और इस फाइल में हम लोग अपना ऐड कर देते हैं. ओके, तो ये हमारी वेबपैक डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल है. ओके, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं डॉट एसआरसी डॉट इंडेक्स. जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, बाय डिफॉल्ट हमारा इंडेक्स पेज ही लोड होता है. ओके, सबसे पहले. ओके, तो जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, एसआरसी के अंदर हमारा इंडेक्स डॉट जेएस है. ओके, तो यही पेज सबसे पहले लोड होता है, फिर वो कॉल करता है हमारे ऐप को. तो जो हमारा ऐप है, ये हमारा कॉल होता है. फिर हमारा, हमने ऐप में क्या दिया, होम पेज. तो हमारी स्क्रीन में, होम पेज में जो भी कंटेंट लिखा होगा वो स्क्रीन पे आ जाता है. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वेबपैक डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस में सबसे पहले हम लोग ये लिख लेंगे. ओके, बाय डिफॉल्ट हर जगह सेम होगा, बस आपने ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे पोर्ट कौन सा दे रहे हो. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हमारा होम पेज का पोर्ट हमने दे दिया 3001. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे होम पेज का है 3002. तो हम लोग क्या करते हैं, 3002 ही दे देते हैं. ओके, तो यहाँ पे 300 हमने 2 दे दिया. ओके, और इसमें भी हम लोग यहाँ पे, अब देखो ये हमारा 3 लाइंस है जिसमें हमने नेम देना है. ओके, मैंने यहाँ पे क्या दिया, ऐप 1. तो आप यहाँ पे कोई भी नेम देख सकते हो, और उसके बाद हमारा है फाइल नेम जो कि होगा रिमोट एंट्री डॉट जेएस. ओके, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, एक्सपोजेस. एक्सपोजेस में हम लोग क्या बता रहे हैं इसको, कि सबसे पहले आपने एसआरसी के अंदर जो हमारा ऐप है उसको कॉल करना है. ओके, तो ये देखिए एसआरसी के अंदर हमारा जो ऐप डॉट जेएस है, वहीं पे आके हम लोग अपना होम पेज को कॉल कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने इसको ये बताना है. ओके, तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, यूआरएल आप समझ लो, ये हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना दो चीजें, एक तो ये मेन चीज है ये वाले. ओके, जिसका आपने ध्यान रखना है, और सेकेंड है ये हमारा पोर्ट. ओके, तो हमारी ऐप 1 का जो कि हमारे होम पेज की है, उसका पोर्ट है 3002. ओके, यहाँ पे काम करो, ऐप 1 है ना ये, तो हम लोग इसको ऐप 1 ही रहने देते हैं. ओके, हम लोग उसको दोबारा से रीरन कर लेंगे. ओके, तो ये हमारा 3001 पे रन कर रहा है. ओके, जो हमारा ऐप 1 है. अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, होम पेज में हमने क्रिएट कर लिया, अब हम लोग कोर्सेज पेज में क्रिएट करेंगे. यहाँ पे करेंगे वेब पैक डॉट कन्फिग डॉट जेएस फाइल. ओके, यहाँ पे भी मैं सेम कोड को पेस्ट कर देती हूँ. अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हम लोग कोड चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 3002. ओके, और अपने इस नेम जो होता है ना, ये भी हमारा यूनिक होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ऐप 2. ओके, और इसके अंदर भी क्या है, हमारा एसआरसी के अंदर ऐप है. ओके, एसआरसी के अंदर हमारा ऐप है जहां पे हम लोग इसको कोर्स को कॉल कर रहे हैं. ओके, आप डायरेक्टली ये भी दे सकते हो कि हमारे कंपोनेंट के, एसआरसी के अंदर कंपोनेंट है और कंपोनेंट के अंदर हमारा कोर्स डॉट जेएसएक्स फाइल है. आप डायरेक्टली इसको भी यहाँ पे लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐप डॉट जेएस में मैं इसको कॉल कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बाय डिफॉल्ट मैंने एसआरसी के अंदर ऐप ही लिख लिया. अगर आप दूसरे वे में करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, डॉट एसआरसी, उसके अंदर हमारा कॉम्पोनेंट, उसके अंदर हमारा क्या है, कॉम्पोनेंट के अंदर हमारा कोर्स है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कोर्स. आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, तो यहाँ पे हमने अपना कोर्स वाले में भी वेबपैक डॉट कन्फिग कर लिया. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी दो एप्लीकेशन हो गई. अब हम लोग कर रहे हैं कंटेनर को ओपन करते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग सेम कोड लिखते हैं, वेबपैक डॉट कन्फिग डॉट जेएस.
ओके यहाँ पे भी मैं सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो पोर्ट होगा, ओके पोर्ट हम लोग इसको 1 की जगह क्या दे देते हैं, 10 दे देते हैं। ओके ये हमारा कंटेनर का पोर्ट हो गया 3010। ओके उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, इस वाले नेम की जगह हम लोग लिख देते हैं कंटेनर। ओके अब यहाँ पे ध्यान, अब इसके यहाँ पे फाइल नेम की इसमें जरूरत नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं, और हमको एक्सपोजिस की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिमोट्स, इसको भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया रिमोट्स, ओके इसको हम लोग सही कर देते हैं एक बार, इसको हम लोगों ने कोट्स में लिखना है। ओके तो ये हमारा हो गया रिमोट्स। अब रिमोट्स यहाँ पे हमने लिखा, और दूसरे वाले में, इस वाले में होम पेज में हमने क्या लिखा था, एक्सपोजेस। एक्सपोजेस का मतलब होता है कि जो हम लोग ने एक्सपोज करना है, मतलब कि कंटेनर वाली एप्लीकेशन को हमने देना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, रिमोट्स मतलब कि जो हमने चाहिए। ओके तो यहाँ पे हमने लिखा एप 1, जो कि हमारा पोर्ट नंबर 3001 पे रन कर रहा है, और हम उसमें फाइल का नेम क्या था, रिमोट एंट्री डॉट js। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा है इसका होम पेज का ये, हाँ यहाँ पे नेम क्या है एप 1, और फाइल नेम क्या है रिमोट एंट्री डॉट js। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं, एप 1 को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, URL। ओके तो यहाँ पे हमने बस ये दो चीजें चेंज करनी है, जो जिस पे हमने कॉल करना है। ओके यहाँ पे हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर में हमने इन दोनों एप्लीकेशन को कॉल करना है, तो हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे, रिमोट्स। ओके और इसका हमारा जो पोर्ट है वो है 3001। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पार्ट में हमने webpack.config.js को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया। ओके अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा और है, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा index.js है ना, ये हमारा index.js है, ओके इसको हम लोग यहां से हटा के हमने एक फाइल बनानी है bootstrap.js की। ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर सॉरी इसमें हमने src के अंदर बनाना है। ओके हम लोग src के अंदर आए, और यहाँ पे हमने क्या, bootstrap.js। ओके और यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ओके अब यहाँ पे आपको इसकी कोई नीड नहीं है, इसको भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं, और इन दोनों को भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ओके तो ये हमने क्या किया, bootstrap.js बनाया, और उसमें हमने इंडेक्स का कोड कॉपी कर दिया। ओके और जो हमारा अब इंडेक्स है ना, इंडेक्स में हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको हम लोग हटा देंगे, और यहाँ पे हम लोग करेंगे इम्पोर्ट bootstrap। ओके bootstrap.js। ओके और यहाँ पे हम लोग एक इसको पाथ भी दे देंगे। ओके और अगर आपने इसको देखना है, तो आप यहाँ पे भी मैंने ये दिया हुआ है। ओके bootstrap.js में आप ये ऐड कर दोगे, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। bootstrap पे हमने ये चेंजेस किए, और जो हमने index.js है ना, index.js में हमने ये वाला लिख लिया। ओके अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हो एक बार, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके अब हमने क्या किया, bootstrap बनाया, bootstrap में index.js का कंटेंट लिख लिया, और इंडेक्स में हमने ये लिख लिया। ओके अब हमने सिमिलरली हर एक एप्लीकेशन में ये चीज करनी है। ओके हमने कंटेनर में कर लिया, अब हम लोग आएंगे कोर्स में, कोर्स के अंदर हम लोग src के अंदर जाएंगे, और src के अंदर हम लोग ये वाला हटा लेंगे, और यहाँ पे हम लोग ये लिख लेंगे। ओके और यहाँ पे हम लोग एक bootstrap.js फाइल बना लेंगे, bootstrap.js। ओके जैसे हमने ये फाइल बनाई, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है कंटेंट, जो कि मैंने आपको ये यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ओके यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ओके तो अब हमने यहाँ पे भी कोर्स वाले में भी ये चीज कर ली। हम लोग होम पेज के src में आएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, bootstrap.js फाइल बना लेंगे। ओके bootstrap.js, और यहाँ पे भी हम लोग ये कोड पेस्ट कर देंगे। ओके और यहाँ पे इंडेक्स में क्या करेंगे, हम लोग ये कोड हम लोग हटा देंगे, और कर देंगे इम्पोर्ट bootstrap। ओके यहाँ पे हमको ऑप्शन भी आ गई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तीनों एप्लीकेशन में, एक तो वेबपैक हमने एस्टेब्लिश किया, ओके
और यहाँ पे हमने इंडेक्स और बूटस्ट्रैप को लिखा। ओके अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फाइनल देंगे कि हम लोग कंटेनर में इन दोनों को कैसे कंबाइन करते हैं। ओके